नमस्कार, मैं योगाचार्य रघुवीर सिंह। देखिए, आज बहुत ही एक अद्भुत अभ्यास लेकर आए हैं जिसका नाम है कुंजन क्रिया। कुंजल क्रिया, इसको बमन क्रिया भी बोलते हैं। और ये षटकर्म यानी शरीर की शुद्धि के लिए, हमारे पेट की शुद्धि के, अमाशय की शुद्धि के लिए बहुत ही अद्भुत है। तो इसको किस तरह से करना होता है, हम लास्ट में इसमें सावधानी और इसके लाभ बताएंगे। देखिए, ये इसमें 2.25 लीटर पानी है। हम इसमें नमक डालते हैं, जिससे भी ये कुंजल क्रिया करनी होगी वो इसमें इस तरह से। देखिए, यदि आपको समस्या है हाई बीपी की, तब आप इसमें नमक ना डालें, बहुत हल्का नमक डालें। और नहीं तो 1 लीटर में 1/2 चम्मच नमक और हल्का हल्का गुनगुना करके पानी को, तब इसको करना होता है। देखिए, इस तरह से बैठ जाएंगे उखड़ू, इसे कागासनी बोलते हैं। अब ये हम ये इस पानी को देखो, इसे रोक रोक कर नहीं पीना होता है। वैसे तो हम रोक रोक कर पानी पीने के लिए बताते हैं, लेकिन इसको लगातार पीना है। और इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 4 गिलास पानी तो पी लेना, 5, 6, 7, 2 लीटर तक पानी पिया जा सकता है इसमें। देखिए, ये काफी बड़ा गिलास है, इसमें 5-6 गिलास देखो मैंने पानी पी लिया है। देखिए, अब हम जो हमने पानी पिया है इसको अब बाहर निकालेंगे। यूँ तो हम तो इस क्रिया को करते हैं तो बगैर उंगली डाल के भी हम निकाल देते हैं। देखिए किस तरह से, और दोनों तरह से आपको हम इस क्रिया को करके दिखाएंगे। देखो, एक तो इस तरह से दिखाया हमने आपको, और हम तो पूरा पानी निकाल देते हैं ऐसे इस तरह से। लेकिन जो हमारे भाई इसे करना चाहेंगे नए हैं, तो वो इसको उंगली डालें, 2 उंगली अंदर डालेंगे। देखिए, और अपने गले में अंदर पहुंचाएंगे उंगलियों को, उंगली के टच होने से गले में और पानी बाहर आएगा निकल के। देखिए, एक हाथ अपना यहाँ भी लगा सकते हैं और कमर इस तरह से भी रख सकते हैं।
बंद कर दिया। देखिए हमने ये पानी पीकर कुंजल क्रिया करके दिखाई आपको। अब इसकी सावधानी की बात की जाए तो जैसे हृदय रोगी है, हर्निया वाले हैं और उच्च रक्तचाप वाले, ये इसको योगाचार्य की सलाह से करें। और लाभ की भी बात की जाए तो कुंजल क्रिया करने से हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है, आमाशय में जो सड़ा हुआ भोजन होता है अधपचा, वो इसके द्वारा बाहर निकल जाता है। हमारे गैस, कब्ज, एसिडिटी और जितने भी तरह की दुर्गंध आना मुंह से, गले में परेशानी, गले में बलगम होना, ये जितने भी तरह की शिकायत हैं ये सारी दूर हो जाती हैं कुंजल क्रिया के करने से। आप करेंगे इससे लाभ होगा और इसको किसी भी योगाचार्य के सानिध्य में करने की कोशिश करें, आपको लाभ होगा। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।